A very good morning to all. This is Gurukul Global Greenza, class 11, geography. And class, as you know, we are continuing with our chapter number 6 of geography, that is geomorphic processes. Class, इस chapter में हम काफी topics को cover up कर चुके हैं, like as हमने यहाँ पर देखा कि that we have two types of geomorphic processes. One is endogenic, second is exogenic. Endogenic processes are those processes that are affecting earth from inside, alright? And exogenic, on the other hand, are those that are affecting the earth from outside, alright? In the endogenic, humne dekha that we have diatropism and volcanism. In the diatropism, we have apogeny, orogeny. Apogeny, formation of continent, orogeny, formation of mountains. ऑलराइट, आई होप आपको सब कुछ फिर से रिवाइज हो रहा है, याद आ रहा है. वोल्केनिज्म हमारे पास मेंटल है, मेंटल में हमारे पास हाई प्रेशर है, प्रेशर की वजह से कन्वेक्शन करंट हो रहा है, कन्वेक्शन करंट की वजह से जो हमारी क्रस्ट है उसमें मूवमेंट हो रही है, शेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास लावा अर्थ के सरफेस से बाहर आया और वहाँ पर वोल्केनिज्म हुआ. उस वोल्केनिज्म से हमारे पास क्या हुए, बहुत सारे माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई. सो दिस इज अ एंडोजेनिक. आफ्टर दैट बच्चे हमने देखा एक्सोजेनिक. व्हाट आर एक्सोजेनिक? दैट आर अफेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड. ऑल राइट, अफेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड. थ्री टाइप्स ऑफ एक्सोजेनिक वी हैव. वैदरिंग, वी हैव वैदरिंग, वी हैव मास मूवमेंट एंड वी हैव इरोजन. इन तीनों को बच्चे हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. एंड इन टुडेज वीडियो लेक्चर, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल कवर आर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सॉइल. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सारी की सारी बात सॉइल पर हो रही है. हमारे पास कुछ रॉक्स हैं, उनकी वैदरिंग हो रही है, उनकी वैदरिंग के बाद हमारे पास लास्ट में क्या बनता है, सॉइल बनता है. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव हियर इज द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी. सबसे पहले हमें ये कहा गया कि स्टडी ऑफ सॉइल, जो लोग जैसे हम ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं ऐसे ही हमारे पास पेडोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ सॉइल. अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि जो सॉइल है उसकी डेफिनेशन क्या है, सॉइल इज अ कलेक्शन ऑफ मटीरियल. नथिंग, सॉइल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मटीरियल, मे बी लिविंग और डेड. चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो, बट मटेरियल है उनकी कलेक्शन दैट सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करती है. ऑल राइट, मीन्स बेटा हमारे पास अगर सॉइल है देन ओनली वी कैन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. सारा का सारा प्लांट सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम सॉइल पर डिपेंड है. ऑल राइट, सो वी कैन से दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ. इन समर क्या होते हैं हमारे पास, हाई टेम्परेचर होते हैं, ट्रीज शेड देयर लीव्स, तो हमारे पास डेक्यूडियस फॉरेस्ट बनती हैं. सॉइल गेट ऑर्गेनिक मटीरियल फ्रॉम लीव्स बट नॉट इन विंटर्स. बच्चे यहाँ पर हमारे पास एक साइकिल चलते हैं. अगर हम क्लाइमेट की बात करें, मान लीजिए समर्स में हमारे पास हाई टेम्परेचर है, वी हैव हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है, प्लांट्स क्या करती हैं, अपनी जो लीव्स होती हैं उनको शेड कर देती हैं. प्लांट्स शेड देयर लीव्स. जब वो लीव्स, मान लीजिए ये प्लांट है मेरे पास, इसने क्या कर दिया, अपने लीव्स को यहाँ पर शेड कर दिया. यहाँ पर मेरे पास सरफेस है. जब ये लीव्स इस सरफेस पर यहाँ पर गिरेंगे, कुछ टाइम बाद ये इसी सॉइल में, इसी में मिक्स हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, उस सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, उसको ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करेंगे. इससे क्या होगा, इसमें न्यूट्रिशन आएंगे. ऑल राइट, ऑपोजिट इसके क्या होते हैं बच्चे, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में क्या होता है, हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर क्या नहीं मिल पाता, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिल पाता. बच्चे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक की कि हमारे पास जो सॉइल है वो हर जगह पर अलग अलग हो सकते हैं, सीजन टू सीजन वेरी कर सकता है, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है. ऑलराइट, ये एग्जाम्पल दी गई है कि कैसे समर में सॉइल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी. क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड कर देती हैं एंड उससे क्या मिलता है,
सॉइल को ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, विंटर सीजन में जो सॉइल होगी वो कम न्यूट्रिशियस होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऐसा ये प्रोसेस नहीं होता। ऑल राइट, तो अब बात करेंगे बच्चे हम सॉइल फॉर्मेशन की, कि सॉइल फॉर्मेशन कैसी होती है। मान लीजिए बच्चे ये रॉक है हमारे पास, आई हैव रॉक हेयर। इस रॉक की क्या हो रही है बच्चे? वैदरिंग हो रही है। वैदरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करवा दी है। कोई भी मेथड आप वैदरिंग का ले लीजिए, उसके साथ हमने इस रॉक की क्या करवानी है? वैदरिंग। अब उस वैदरिंग में क्या होगा, जो ये सरफेस है रॉक का, ये इरोड हो जाएगा। इरोड होके पानी, विंड, वाटर, ग्लेशियर, जो भी एजेंट होते हैं हमारे इरोजन के, वो इसे इरोड करके कहीं और जाकर डिपॉजिट कर देंगे। हमने इरोजन और डिपोजिशन में इसके कवर अप किया था कि कैसे एक जगह से जो एयर और वाटर हैं वो मटेरियल इकट्ठा करके किसी और जगह पर जाके उसे डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या होगी, ड्यू टू द वैदरिंग रॉक्स वैदर, एयर वाटर डिपॉजिट इट समवेयर एल्स। जो रॉक्स वैदर हो रही है उनके मटेरियल को एयर और वाटर क्या करेंगे, कहीं और किसी और जगह पर उसे डिपॉजिट कर देंगे। अब वहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये मान लीजिए मेरे दिस इज़ माय सरफेस, यहाँ पर जो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो गया है। अब इस सरफेस पर क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, इसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे। ऑल राइट, जो ये कुछ रॉक्स होंगी बड़ी बड़ी, उनको बिल्कुल छोटा छोटा बना देंगे, ये सॉइल में मिल जाएंगे। क्या होगा इनका, वहाँ से सॉइल में से कुछ प्लांट्स ग्रो करेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स। ऑल राइट, उन प्लांट्स का क्या होगा बच्चे, इनकी सीड डिस्पर्सल होगी। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा ऐसे प्लांट आ गया, इसके ऊपर कुछ बर्ड्स आ गए हैं, कुछ सीड्स आ गई हैं, हवा और पानी फिर से इसको क्या करेंगे, उड़ा के ले जाएंगे, इसकी सीड्स को कहीं और जाके डिस्पर्स कर देंगे। तो ऐसे बच्चे हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद ये क्या बन जाएंगे, बड़े और बड़े होंगे, ट्रीज़ बन जाएंगे। जब मेरे पास ये प्लांट बड़े होकर ट्रीज़ बन जाएंगे, यहाँ पर कुछ और स्मॉल स्मॉल एनिमल्स अपना घर बनाएंगे इन ट्रीज़ के ऊपर, लाइक एज रैबिट। सॉइल में हमारे पास अर्थवर्म्स होते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, सॉइल के अंदर जाकर उसको लूज़ कर देंगे। ऑलराइट, जिससे क्या होगा, जो इस ट्री के अंदर वाली सॉइल होगी वो लूज़ हो जाएगी, लूज़ होकर उसमें वो वाटर को कंज्यूम कर सकेगी अपने अंदर। वो जो सॉइल है वो स्पंजी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या कर सकेगी, वाटर कंटेंट है उनको अपने अंदर रिटेन कर पाएगी। जब वाटर सॉइल के अंदर जाएगा तो वो क्या होगी, अगेन प्लांट्स को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस सॉइल के ऊपर वो प्लांट खड़ा है, अगर उसमें उससे उसको उसकी रूट्स को पानी मिल रहा है तभी वो ग्रो करेगा। ऑलराइट, तो ऐसे बच्चे हमारे पास पूरा सिस्टम चल रहा है। वैदरिंग ने क्या किया, हमें सॉइल दी, उस सॉइल से हमने ट्रीज़ लगाए, उसी ट्रीज़ के हमने पत्ते पत्तों को शेड करके दोबारा नए ट्रीज़ लगाए, और ये हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, इससे हमारी सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। ऑल राइट, सो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक एरिया है, यहाँ पर सॉइल कुछ और टाइप की है, यहाँ पर कुछ और टाइप की है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है, इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, इसको कौन से। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है पेरेंट रॉक। जिस रॉक से वो सॉइल बनी है, दैट इज़ अ पेरेंट रॉक। मान लीजिए ये मेरे पास रॉक है, इसकी वैदरिंग से अगर मेरे पास ये सॉइल बन रही है, तो दिस इज़ द पेरेंट रॉक ऑफ दिस सॉइल। ऑलराइट, ये मेरे पास टू टाइप्स की हो सकती हैं, परमिएबल, नॉन परमिएबल। पेरेंट रॉक दो तरह की होगी, परमिएबल, नॉन परमिएबल। ऑलराइट, अब इनमें क्या होता है बच्चे, परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। परमिएबल वो होगी रॉक बच्चे जहाँ पर से वाटर पास कर सकता है, नॉन परमिएबल जहाँ से वाटर पास नहीं कर सकता या फिर बहुत स्लो पास करता है। ऑलराइट, अगर बच्चे वाटर उस रॉक से बहुत फास्ट स्पीड से पास कर गया,
तो वो रॉक क्या होगी, कैसे तो उससे जो सॉइल बनेगी वो कैसी होगी? वो ज़्यादा सॉफ्ट होगी, ऑल राइट। लेकिन अगर वहाँ से इस रॉक से पानी स्लोली मूव कर रहा है तो वो सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। वैदरिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रॉक। इससे क्या होता है बच्चे, एक चीज़ और होगी कि जो वैदरिंग होगी, अगर पानी यहाँ से पास ही नहीं कर पाएगा तो इस रॉक की वैदरिंग नहीं हो पाएगी या फिर बहुत स्लो होगी। जो क्या कर रहे हैं, उस रॉक की जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करेगा, और उस रॉक से जो सॉइल बनेगी उसकी क्वालिटी कैसी होगी उसको भी डिटरमाइन करेगा। आफ्टर दैट बच्चे, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टोपोग्राफी। इफ़ द लैंड इज़ प्लेन, सॉइल गेट्स ह्यूमस फ्रॉम द शेडिंग लीव्स। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, मेरे पास मान लीजिए प्लेन है, अगर मेरे पास जो मेरा सरफेस है वो प्लेन है, यहाँ पर जो ट्रीज़ होंगे जब ये अपने विंटर समर सीजन में शेड करेंगी लीव्स, तो इस सॉइल को यहाँ से ह्यूमस मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑन द अपोजिट यहाँ पर माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर जो लीव्स होंगे ये जो ट्रीज़ शेड करेंगे वो इस तरह से नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो सॉइल होगा बेटा उसको ह्यूमस नहीं मिल पाएगा। तो प्लेन्स में जो सॉइल होगा वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। तो बच्चे जो ये प्लेन्स माउंटेन्स होते हैं, दीज ऑल आर द टोपोग्राफिक फीचर्स, ऑल राइट। अगर स्ट्रीप होगी एवरी थिंग विल कम डाउन। अगर मेरे पास स्ट्रीप है, ये स्ट्रीप है, तो सब कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ भी यहाँ पर रुकेगा नहीं और सॉइल को कोई मॉइस्चर नहीं मिलने वाला। आफ्टर दैट बच्चे, नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या हो रहा है, जैसा कि आपको पता है ये हमारी अर्थ है, इसको हमने कुछ जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। वी हैव डिवाइडेड दिस अर्थ इन टू सम जोन्स। कौन कौन से जोन हैं बच्चे, ये मेरे पास इक्वेटर है, दिस इज़ माई, ये पूरा मेरा टॉरिड जोन है, हेयर वी हैव टेम्परेट जोन, इसके बाद लास्ट में मेरे पास यहाँ पर है फ्रिजिड जोन, ऑल राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, जो प्रेशर सिस्टम है वो अलग अलग है। अगर मेरे पास ये अर्थ है, हेयर आई हैव इक्वेटर, तो इक्वेटर पर क्या हो रहा है बच्चे, टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से क्या होगा, प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर होगा, हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के ठंडी होके फिर नीचे आएगी, तो इस तरह से ये सिस्टम बनता है। होता क्या बच्चे, यहाँ पे इन टॉरिड डेकेडियल सीजन एज ट्रीज शेड देयर लीव्स, सॉइल गेट ह्यूमस एज कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर रीजन। हमने प्रेशर की तरफ अगर ना जाकर हम ये देखें सिर्फ टेम्परेचर की अगर बात करें, तो बच्चे ये मेरे पास मेरा टॉरिड जोन है, दिस इज़ माई टॉरिड जोन, दिस इज़ फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन पर मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, यहाँ पर मेरे पास हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर में बच्चे अगेन फिर से वही बात आ रही है, समर सीजन। समर सीजन में ट्रीज लीव्स शेड करेंगे, सॉइल को ह्यूमस मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फ्रीजिड जोन की, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर, नो शेडिंग ऑफ लीव्स, नो डेक्यूडियस प्लांट्स, नो ह्यूमस टू सॉइल, ऑल राइट। तो यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ऑल राइट। सो दिस इज़ ऑल हेयर। आफ्टर दैट बच्चे, जो लास्ट है हमारा, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक हमारे पास जो सॉइल है उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरह के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अंदर। टाइम, एज टाइम इंक्रीज डिफरेंट लेयर्स इन सॉइल विल फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, अगर मैंने मान लीजिए जो सॉइल है मेरी वो अभी अभी बनी है, तो वो ज़्यादा मेच्योर नहीं होगी, उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन मेरे पास सॉइल जितनी ज़्यादा पुरानी होगी वो उतनी ज़्यादा मेच्योर होगी, उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल की क्वालिटी है जो वो कैसी है। सो क्लास, दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट लग रहा है, तो यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट विद मी। फॉर नाउ क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।